आज हम सालारजंग म्यूजियम आए। इस म्यूजियम में आए बहुत अफसोस हुआ यहाँ के कुछ मंजर देखकर, जहाँ पे सावरकर की फोटो लगा दिया गया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से यह गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई, ये आपके हलके में है, यहाँ पे चारमीनार एमएलए आपका है, यहाँ पे कॉरपोरेटर आपका है, इतनी बड़ी हरकत यहाँ पे हो गई है और आपके कान तक जूने रहेंगी है। अंग्रेजों की 60 रुपया पेंशन में अपना गुजारा करता था, उसकी फोटो सालारजंग म्यूजियम में लगाना बहुत शर्म की बात है। आज हम सालारजंग म्यूजियम आए जो हैदराबाद में वाक़े हैं और पूरी दुनिया में वाहिद म्यूजियम है जो वन मैन कलेक्शन है पूरा यहाँ पे। इस म्यूजियम में आए बहुत अफसोस हुआ यहाँ के कुछ मंजर देखकर, जहाँ पे सालारजंग, जिसको आसिफ अली खान और सालारजंग 3 के नाम से नवाजा गया था, जो निज़ाम के दौरे हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर थे और वो हिंदुस्तान की हुकूमत को उनकी फैमिली वालों ने तमाम असासा जो उन्होंने एंटिक जमा करा था, जो वर्ल्ड का नायाब एंटिक है, वो डोनेट करा, जिससे हिंदुस्तान की हुकूमत को काफ़ी आमदनी होती है, करोड़ों रुपया में आमदनी होती है। उनके इस म्यूजियम में उनकी तमाम तस्वीरों को हटाकर एक बैरक नंबर 22 के अंडोमान निकोबार में सजा काटने वाले सावरकर की फोटो लगा दिया गया है। वही सावरकर जो गांधी जी की हत्या में भी शामिल थे, जिसके लिए कपूर कमीशन की रिपोर्ट में उनको आज तक क्लीन चिट नहीं मिली। वही सावरकर जो आज तक आजादी के कोई मूवमेंट में नहीं थे, चाहे वो सॉल्ट सत्याग्रह रहो या क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में सावरकर का ये रोल था कि वो अंग्रेजों के साथ थे। हर दौर में सावरकर ने हिंदुस्तान की पीठ में खंजर मारा है और वो गांधी जी का खातिल है। गांधी जी के कत्ल में उनको क्लीन चिट नहीं मिली और वो अंग्रेजों की 60 रुपया पेंशन में अपना गुजारा करता था, उसकी फोटो सालारजंग म्यूजियम में लगाना बहुत शर्म की बात है। हम इसका बिल्कुल कंडम करते हैं और वहाँ पे जो सालारजंग, जिसने ये म्यूजियम दिया है, जो नायाब म्यूजियम दिया है, उनके तमाम पोर्ट्रेट्स जो दीवान जोड़ी में उन्होंने लगाए थे, वो पोर्ट्रेट्स जो दीवान जोड़ी का म्यूजियम के फोटोज थे, वो पोर्ट्रेट्स तमाम फ्रेम्स में से निकाल कर यहाँ पे ये लगा दिया गया है। मैं हैदराबाद के एमपी, जिसको ये सालारजंग मूवमेंट में सावरकर का ये रोल था कि वो अंग्रेजों के साथ थे। हर दौर में सावरकर ने हिंदुस्तान की पीठ में खंजर मारा है और वो गांधी जी का खातिल है। गांधी जी के कत्ल में उनको क्लीन चिट नहीं मिली और वो अंग्रेजों की 60 रुपया पेंशन में अपना गुजारा करता था, उसकी फोटो सालारजंग म्यूजियम में लगाना बहुत शर्म की बात है। हम इसका बिल्कुल कंडम करते हैं और वहाँ पे जो सालारजंग, जिसने ये म्यूजियम दिया है, जो नायाब म्यूजियम दिया है, उनके तमाम पोर्ट्रेट्स जो दीवान जोड़ी में उन्होंने लगाए थे, वो पोर्ट्रेट्स जो दीवान जोड़ी का म्यूजियम के फोटोज थे, वो पोर्ट्रेट्स तमाम फ्रेम्स में से निकाल कर यहाँ पे ये लगा दिया गया है। मैं हैदराबाद के एमपी, जिसको ये सालारजंग म्यूजियम लगता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से यह गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई, ये आपके हलके में है, यहाँ पे चारमीनार एमएलए आपका है, यहाँ पे कॉरपोरेटर आपका है, इतनी बड़ी हरकत यहाँ पे हो गई है और आपके कान तक जूने रहेंगी है, इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। ऐसी चीज अगर कोई हमारे लोग देख लेते हैं तो बराबर इसको मंजर आम पे लाना चाहिए। ये सालारजंग का यहाँ पे पोर्ट्रेट रहना चाहिए, निजाम का पोर्ट्रेट रहना चाहिए, मीर महबूब अली खान का पोर्ट्रेट रहना चाहिए, गांधी जी का पोर्ट्रेट रहना चाहिए, हम चाहते हैं कि भगत सिंह का पोर्ट्रेट रहना चाहिए, जो देश के लिए करे, जो स्टेट के लिए करे, उनका रहना चाहिए, ना कि कोई गद्दारों का। तो हम अपील करते हैं कि